press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. सीरियल बालवीर में कल्पारी इस बार फिर से हो गई है कामयाब। कल्पारी ने धरती पे ही ऐसा काल वृक्ष लगा दिया है, अब लोगों को सांस लेना बहुत ही मुश्किल हो गया है। थोड़ी देर के लिए सब ठीक हो गया था, पर कल्पारी की इस चाल ने सब कुछ वापस बिगाड़ दिया। पर यह कोशिश पे कोशिश किए जा रही है, लेकिन कुछ भी असर नहीं हो रहा है। कल्पारी नेले पे ढेला वार कर रही है, ऐसे पे परिया भी हेल्पलेस हो गई है। पर डरने की कोई बात नहीं, बालवीर और विवान ने मिलके ने काल वृक्ष को खत्म कर दिया है, जिसके वजह से सभी धीरे धीरे होश में आ गए हैं और ठीक हो गए हैं। और कल्पारी को अफसोस होकर जाना पड़ता है। अब देखना यह है क्या कल्पारी और कौन सी नई चाल चलेगी। बिल्कुल, मतलब ये हमेशा से जैसे दिखाया जाता है कि कई बार नेगेटिव पावर्स जो है वो ज़्यादा हावी कर देते हैं और कई बार पॉजिटिव पावर्स भी ओवर पावर कर देते हैं। ये खेल चलते रहता है नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में, कि जैसे कालपरी अभी फिलहाल नेगेटिव है क्योंकि वो कालपरी है, तो वो कोशिश कर रही है कि पूरी दुनिया में हम बुराई फैलाएँ और पूरे दुनिया के लोगों को परेशान करें और उन्हें अपने कब्जे में कर सकें, ताकि हमारी इमेज नेगेटिव पावर जो है वो और बढ़ सके। और वैसे भी सामने जो परियां हैं, सारी पॉजिटिव परियां बालवीर के बाद वो कोशिश करते हैं कि लोगों की मदद करें और अच्छा ही रहें। हाँ, मतलब फिलहाल हमने कोशिश की है कि सारे लोगों को ख़त्म ही कर दिया जाए, मार दिया जाए, ताकि हम खुश होंगे और बाकी परेशान। यही हम कोशिश कर रहे हैं कि जाकर से उन्हें ऑक्सीजन सप्लाई ख़त्म कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, लेकिन परियां बीच में आके उन्हें ऑक्सीजन सप्लाई दे रही है, उनको ठीक करने की कोशिश कर रही है। ये ऊपर नीचे चल रही है, बट लास्ट में लग रहा है मूवमेंट से हताश होकर जाना पड़ेगा। मतलब कालपरी अभी और यस, फिलहाल यहाँ से कालपरी चली गई है क्योंकि उसका जादू अब काम नहीं कर रहा, बिकॉज दूसरे पे तरीके विवान और बालवीर में हमारी जो कोशिश थी वो नाकाम करने की कोशिश की, उन्होंने उसने हमारा पावर कट कर दिया है। सो फिलहाल कालपरी हैज बिकम पावरलेस, सो शी रन्स अवे एंड आगे वापस जैसे नैले पे डैला होता है, हम वो भी एक चाल चलते हैं, वो लोग भी एक चाल चलते हैं। सो ये हमेशा नहीं चलते, बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज हम भी अपना दिमाग लगाते हैं, वो लोग भी अपना दिमाग लगाते हैं एंड हम कोशिश करते रहते हैं कि हम जीते, वो लोग कोशिश करते हैं वो लोग जीते। अब आगे देखते हैं कौन जीतता है। थैंक यू, थैंक्स।